आज बड़े साहब आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे और पहला जन्मदिन है उनका। वो इतने लोकप्रिय थे पूरे देश में, शोषित हो, गरीब हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत हो, ऊंची जाति के लोगों के लिए वो सदैव लड़ाई लड़ते रहे, जेल गए, मार खाए और 52 वर्ष तक देश के राजनीति में क्षितिज पर रहे। 69 से MLA से लेके लोकसभा का सदस्य बने और राज्यसभा का सदस्य बने, तीनों सदन का वो सदस्य बनने का मौका मिला। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। गिनीज बुक में नाम उनका 2-2 बार लिखाया, एक 77 में लिखाया, एक 69 में लिखाया, 2-2 बार लिखाया, 79 में लिखाया, 89 में गिनीज बुक में नाम 2 बार नाम लिखाया, 77 में लिखाया और दोबारा अपने रिकॉर्ड को अपने तोड़े। हाजीपुर में उन्होंने रेल मंत्री के हैसियत से हाजीपुर में उन्होंने जोनल ऑफिस का निर्माण करवाया, जो उस समय के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ था। लोग कहते थे कि पासवान जी कैसे जोनल ऑफिस खोल दिए। उनके समय में रेल मंत्रालय में उन्होंने राजधानी टू राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलवाया, तो लोग कहते थे कि राजधानी ट्रेन में भीड़ कहाँ से जुटेगी, लेकिन आज सबसे अधिक भीड़ राजधानी एक्सप्रेस में ही होता है। जब संचार मंत्री थे तो उस समय टूटा फूटा हुआ विभाग माना जाता था संचार मंत्री को, लेकिन ये जो भी मोबाइल सभी लोगों के पास में है ये देन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है। तो उनके समय में जब संचार मंत्री थे तो मुझको याद है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहली बार वो मोबाइल को ये करने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं संचार क्रांति पूरे देश में ला दूंगा और मोबाइल को मैं बैगन के भाव से बिकवा दूंगा, टोकरी में रख के लोग बैगन के भाव से मोबाइल बिकेगा। और आज वही हुआ। ये देश का सौभाग्य है कि 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया, काफ़ी गालियां भी सुनी उन्होंने, ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की बात उन्होंने किया और 10% आरक्षण भी मिला। तो इस ढंग से उनका जो काम करने का जो तरीका था कीर्तिमान है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से पहले भी और आज भी उनके जयंती के समारोह में मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि उनको सेकेंड अम्बेडकर माना जाता था, स्वर्गीय पासवान जी को अम्बेडकर जी के बाद उनको सेकेंड अम्बेडकर माना जाता था। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करें। ने ट्वीट किया है, कहा है कि एक मेरा दोस्त अब नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वर्गीय पासवान जी के जिस दिन स्वर्गवास हुए थे तो उन्होंने जो सम्मान दिया, बिहार का अखबार और बिहार के मीडिया के साथ ही आप लोगों ने भी लिखा कि स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के बाद इतना राजकीय सम्मान के साथ पासवान जी का अंत्येष्टि हुआ। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि बिहार सरकार एक अनुशंसा पत्र भेजे भारत सरकार को कि स्वर्गीय पासवान जी को भारत रत्न से भारत रत्न की उपाधि दी जाए। दूसरा, मैं बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये जो कोठी है ये 1990 से ये कोठी में हम लोग रहते हैं और स्वर्गीय पासवान जी इसी में आके रहते थे 31 वर्ष से पासवान जी इसी में रहते थे, अभी पार्टी कार्यालय है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस एक व्हीलर रोड को वो राष्ट्रीय स्मारक पासवान जी के नाम से घोषित करें और जहाँ आप खड़े हैं यहीं पर आदमकद की मूर्ति बिहार सरकार अपने द्वारा करे। और दूसरा मेरा मांग है कि हाजीपुर की जनता, हाजीपुर की वो मांग कहते थे, हाजीपुर से लगभग 44-45 वर्ष तक सांसद सदस्य रहने का उनको मौका मिला। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हाजीपुर में सर्किट हाउस के बगल में एक जगह है, 4 कट्ठा जमीन है, वहाँ भी बिहार सरकार अपने फंड से पासवान जी की आदमकद मूर्ति का निर्माण करवाए। धन्यवाद। ABP News, आपको रखे आगे।